नासिम बुलेटिन की शुरुआत करूँ था। अहम खबर साथ तकरारी मकान निजाम खिलाफ में हड़ताल जारी है जिन्हें तक मकसूद और रिंद वे जो मुस्लिम लीग फंक्शनल जो रैली थे अंजातल हथियार बंदन फायरिंग कई आज बारह घना जख्मी थी पाया है। जी नाजी अहम खबर शेयर कर रहा हूँ। मकसूद और रिंद वे जो फंक्शनल लीग रैली थे अंजातल हथियार बंदन फायरिंग में बारह घना जख्मी थी पाया है। आपको बताएं तकरारी मकान निजाम खिलाफ सिंध बचाओ कमेटी फंक्शन लीग सर थे सिंध में हड़ताल है। मकसूद और रिंद में फंक्शन लीग रैली थे अलजाकर हथियार बंदन फायरिंग कई है उनके नतीजे में बारह जन जख्मी थे इतान लिया अस कोशिश क्यों रिपोर्टर से रबो बहाल थे उनकी सूरत हाल मालूम कर सकूँ पर हिमल तीन जी अपडेट है नाजिन वही है तो मकसूद और रिंद जो फंक्शनल लीग की रैली से फायरिंग की है उनमें बारह जना जख्मी थी पाया है। तकरारी मकान निजाम है सिंध असेंबली में औरत एम पी एच बाबत गुथा गंगा गलान खिलाफ सिंध बचाओ कमेटी फंक्शनल लीग के सर से सिंध अंदर हड़ताल है। नाजिम मुख्तलिफ बंदन के अखबार की मुजाहरा रैलियन और धरण में सिलसिलो बिहंदड़ है। मकसूद रिंद माना के खबर दूँ पा फंक्शनल लीग की रैली से अणजातल हथियार बंदन फायरिंग कई है। फायरिंग में बारह जना जख्मी थी पाया है। नासिर ही मकसूद रिंद वाला इलाको है जिते वाक है बारह जना जख्मी थे जिनके इन वक्त मुख्तलिफ अस्पताल में मुंतकिल कर दिया है। शाहपुर चाके जी नाजिम मकसूद रिंद टाउन में ही वाक़ थो है जैमें फंक्शन लीग की रैली से अणजातल हथियार बंदन की फायरिंग की है बारह घना जख्मी थी पाया है। तकरारी मकानी निजाम है सिंध असेंबली में औरत एम पी एस बाबत गुथा जुमला गलायण खिलाफ सिंध बचाओ कमेटी ए फंक्शनल लीग के सद से सिंध में हड़ताल है। फंक्शनल लीग की रैली से नासिर मकसूद रिंद में अणजातल हथियार बंदन फायरिंग कई है। फायरिंग में बारह जना जख्मी थी पाया है। हथियार बंदन रैली हमलो किया अच्छा अब्दुल कादिर ये बताओ तो हिमल तक पुलिस छो न पहुंची सकी है जी जख्मी है बताया बारह लड़ा रैली जहाँ उन्होंने गोली लगल की हालत की है उनके अस्पताल पहुंचा उनके गोली लगल पुलिस पर चोरी है पुलिस हजारों के जलूस है जैमें होर जमा जहाँ सभी मूल अस्पताल कमेटी जहाँ मूल जैसे पुलिस कंट्रोल कर सकी है। अच्छा अब्दुल कादिर जी का फायरिंग थी है रैली से उन्होंने सबब कारण रैली के रोकने की कोशिश ही या बनी मेहमानी की ना उन्हें हुकूमत के खिलाफ जिते निजाम के खिलाफ नारा हुआ जैसा जो है उसे बरादरी है हथियार बंद उन्होंने हुकूमत सारा जला उन्होंने मशक्की उन्हें रैली मता जो है हमलो कर दिनों फायरिंग बारह मूल जख्मी थी चुका है मोर्चा फायरिंग कर रहा है। अच्छा हिमल सूरत उन वक्त इलाके मैदान जंग बनल है हिरासत है पुलिस मानू मुताबिक हथियार खड़ी रही जवान थी रहा है। अच्छा तुम होल्ड से रहो अब्दुल कादिर जाहिरी नाजरीन से अपडेट खबर दूँ तो मकसूद और रिंद फंक्शनल लीग की रैली से अंजातल हथियार बंदन फायरिंग कर दिनी है। फायरिंग के नतीजे में बारह जना जख्मी थी पाया है। जख्मी के गोलू लगे अस रिपोर्ट अपडेट किया है पुलिस उतने न पहुंची सकी है बुधाइंदा हूँ तो उनमें जो बुधाए पो वे तो एक घर पारा फायरिंग कई वही है गली के रोकने की कोशिश कई वही है हिमल जो है बिन्हीं तरफों का फायरिंग जारी है। जी नाजिम बारह जना फायरिंग में जख्मी थी पाया है।
खौफ वाली सूरत हाल आए छिटां वधी वई आए तकरारी मकान निज़ाम ऐं सिंध असेंबली में औरत एम पी एस बाबति बुथो जुमला ॻाल्हाइण खिलाफ़ सिंध बचाओ कमेटी ऐं फंक्शनल लीग जे सर ते सिंध में हड़ताल जारी आहे ऐं उन्हीअ वारे समाज मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतियाती मुज़ाहरनि रैलियुनि ऐं धरणनि जो सिलसिलो बि जारी आहे। मक़सदु रिंद में तव्हांखे ख़बर ॾियूं पिया त फंक्शनल लीग जी रैली ते अणॼातल हथियारबंदनि जी फायरिंग जे नतीजे में 12 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया आहिनि जंहिंखां पोइ जी सख़्तु छिकताण वारी सूरत हाल आहे। तकरारी मकान निज़ाम ऐं सिंध असेंबली में औरत एम पी एस बाबति बुथा जुमला ॻाल्हाइण खिलाफ़ सिंध बचाओ कमेटी ऐं फंक्शनल लीग जे सर ते सिंध अंदरि हड़ताल आहे ऐं उन हवाले सां अवां ॿुधायूं था त नंढनि वॾनि शहरनि में कारोबार पूरे ट्रांसपोर्ट बि मुकमल बंदि आहे। मुख़्तलिफ़ शहरनि में एतिराज़ी मुज़ाहरनि ऐं धरणनि दौरान पुलिस केतिरनि ई कारकुननि खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे। जॾहिं त शाहपुर चाकर वेझो फंक्शनल लीग जी रैली ते अणॼातल हथियारबंदनि फायरिंग कई आहे। फायरिंग में 12 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। अब्दुल क़ादिर लाहिरी असां सां लाइन ते मौजूदु आहे। अब्दुल क़ादिर, तव्हां लाइन ते आहियो। मक़सूदु रिन मां हीअ तव्हांखे ॿुधायूं पिया त मक़सूदु रिन स्टेशन तां फंक्शन लीग जी रैली ते अणॼातल हथियारबंदनि जी फायरिंग थी आहे, जंहिंमें 12 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। हीअ रैली फंक्शन लीग जी रैली जेका तकरारी मकानी निज़ाम ऐं सिंध असेंबली में औरत एम पी एस बाबति पुठियां जुमिला ॻाल्हाइण ख़िलाफ़ हुतां निकिती हुई। अब्दुल क़ादिर, तव्हां लाइन ते आहियो। अब्दुल क़ादिर, हिकु दफ़ो ॿीहर असांखे वेट कंदा त हाणे सूरत हाल छा आहे हुते ऐं असांखे छा थो नज़र अचे। हीअं जेको आहे त माण्हू तव्हां पाण मुराद जेका ॻाल्हि ॿुधनि पिया उहे हथियार खयो ॾेई वञनि पिया ऐं कोई वॾे रस्तो ठाहिण जो इम्कान आहे। हिन वक़्तु जेका लकड़ियुनि हुजूं आहे जेको जेका हथियार खणी शहर खां जेका शाहपुर खां आस पास जे ॻोठनि खां जेके उद्यम सां लाॻल में निकिरी अथनि, जॾहिं हुननि खे इहा ख़बर पई आहे त हुनजे ख़लीफ़े ते हमिलो थियो आहे, ख़लीफ़े जी गाॾी तबाह थी आहे ऐं ख़लीफ़े जो पुठी लकड़ी थियो आहे, त हिन वक़्तु माण्हुनि में तमामु जेका साह पकड़िया अथनि। महिरबानी अब्दुल क़ादिर लाहिरी, मक़सूदु रिंद के टी न्यूज़ रिपोर्ट तव्हांखे अपडेट करे नाज़रीन ते। मक़सूदु रिंद में फंक्शन लीग जी रैली ते अणॼातल हथियारबंदनि जी फायरिंग थी आहे। 12 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। उन में पिसा पगी पालारे जो ख़लीफ़े जो पुटु बि शामिलु आहे। मक़सूदु रिंद मां असांखे अब्दुल क़ादिर लाहिरी ॿुधाए पियो त इलाइक़े में सख़्तु ताव पकड़िया आहिनि फायरिंग खां पोइ ॿिन्ही धुरनि। फंक्शन लीग जी रैली ते अणॼातल हथियारबंदनि जी फायरिंग में 12 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। तकरारी मकानी निज़ाम ऐं सिंध असेंबली में औरत एम पी एस बाबति गुथा जुमिला ॻाल्हाइण खिलाफ़ सिंध बचायो कमेटी ऐं फंक्शन लीग जे सरे सिंध में हड़ताल आहे। नंढनि वॾनि शहरनि में कारोबार थोरे ट्रांसपोर्ट मुकमल तौरु बंदि आहे। मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतियाती मुज़ाहरा धरणा थिया आहिनि। पुलिस केतिरनि ई कारकुननि खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे। पर हीअ जेका अपडेट ख़बर तव्हांखे ॾींदा हलूं त शाहपुर चाकर जो मक़सूदु स्टेशन ते ही वाक़ियो थियो आहे, जंहिंमें फंक्शन लीग जी रैली ते अणॼातल हथियारबंदनि जी फायरिंग थी आहे। 12 ॼणा हिन महिल ज़ख़्मी आहिनि ऐं मूंखे ॿुधायूं त 12 ॼणनि जी हालत जेका ॿुधाए पई वञे त उन्हनि खे गोलियूं लॻियल आहिनि। ॿिन्ही तरफ़नि खां जेका आहे हिन महिल उहा फायरिंग जा बितला आहिनि ऐं इलाइक़े में सख़्तु तौर सां रासारी शुरू कई। कोशिशि कई त लाॻापियल पुलिस अमलदारनि सां बि तव्हांजे मौक़िफ़नि ते पहुचाए सघूं, पर बार बार राति बावजूदि नाज़िर मौक़िफ़ सां न आयो आहे पुलिस जो। हुन वारे सां जंहिंजो वधीक तफ़सील ईंदा तव्हां ताईं पहुचाइण जो सिलसिलो जारी रखंदासीं।